दोस्तों नमस्कार, आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जाखड़, आप लोगों का दोस्त। आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से फिर रूबरू हो रहा हूँ। ज्योग्राफी की ही कुछ बातें करूँगा और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का सॉल्व पेपर। पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 18 मई को संपादित हुआ है। देर सवेर लोग की तलाश रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड की है, कैसे है। RPSC ने अभी कुछ भी इसके बारे में इत्तला, कोई भी जानकारी नहीं दी है, परंतु हम आपको मुहैया करवा रहे हैं सबसे ऑथेंटिक की सभी के। मैं इस की को तैयार करने में काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है, ज़रूर बताऊंगा वीडियो के आखिर में। और पूरे वीडियो में जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है, अगर आप इसको देखें, जिन लोगों ने यानी कि 33% ही इसकी उपस्थिति रही है, तो अगर वो 33% लोगों को देखें तो वो वाकई में जो लोग इस परीक्षा में बैठे हैं उनको सैल्यूट है वाकई में, कि उन्होंने बेसब्री से मेहनत करके एक पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव और अब एक चौथा पड़ाव उनके जीवन में बाकी है। और अभी से मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि जो बेसब्री से वाकई में लगे हुए थे, उन्हें उनकी मेहनत का जो रंग है वो खिलने वाला है, ऐसे समझो उनके जीवन में निखार आने वाला है। और पेपर के लिए मैं अगर चर्चा काफ़ी लोगों से हुई है मेरी, पेपर की चर्चा का अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं, तो जो की है, की के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स निकल रहे हैं, वो रिजल्ट्स ये बताते हैं कि जो दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर आप कॉमन पेपर देखिए और यहाँ पर सब्जेक्ट के दोनों पेपर देखिए, तो कुल मिलाकर जिन भी विद्यार्थियों के 105 से 110 नंबर के बीच में स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ मैं इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़ रहा हूँ। अगर इंटरव्यू के मार्क्स आप ऐड ऑन कर देते हैं तो यानी कि 125 नंबर, यानी कि 125 से 130 के बीच में, 25-30 के बीच में पूरा माजरा सेट हो जाएगा। जहाँ पिछली बार अगर हम देखें तो 15-16 का पेपर देखें, उसके बाद वाला जो 21-22 में हुआ, मतलब कुल मिला के अगर पेपर को देखें तो ये जो पेपर RPSC ने बनाया है अब तक के इम्तिहानों में सबसे बेहतर पेपर कह सकते हैं। यानी कि कोचिंग सब फ्लॉप, कोचिंग सारी फ्लॉप है। हाँ, कह रहे हैं हमने पढ़ाया, इस मॉड्यूल से आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, यहाँ पर कुल मिला के बच्चे की PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सॉल्व किए हैं वही इस पेपर में स्टैंड कर पाए हैं। जिनको जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा था, मैं कहूँगा कि हम्बोल्ट की तरह एक्सपीरियंस ज़्यादा था, वही आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि अच्छे ज्योग्राफर बन सकते हैं। तो बिना समय गवाए मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ 150 सवाल, क्या उनके क्वेश्चंस के आंसर हैं, सटीक जवाब विश्लेषण के साथ आपके सामने। मैं आपका दोस्त वापस से डॉक्टर SK जाखड़। तो पहला सवाल हम आपके सामने अब रख रहे हैं। यहाँ डेविस का एक कथन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट नॉर्मल केस फॉर फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, कि भैया अपरदन चक्र के लिए सामान्य अवस्था क्या मामला माना था डेविस ने, तो आप इसका सही उत्तर लगा दीजिए। ये ह्यूमिड टेम्परेट एरिया माना है, ह्यूमिड टेम्परेट एरिया यानी कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध। ये पेंसिल्वेनिया पे 1899 में इन्होंने स्टडी किया था। पेंक का इनका ऑपोजिट था, हालांकि पेंक का जो था वो सेमी एरिड ट्रॉपिकल एरिया पे उन्होंने काम किया था, जो कि ज़्यादा सटीक और ज़्यादा परिमाणात्मक माना जाता है। दूसरा सवाल हम देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निक, यानी कि जो पारिस्थितिकी क्रमता का संकल्पना किसने दी थी। स्ट्रेट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन है, जे ग्रिनेल ने दी थी। ग्रिनेल का नाम काफ़ी बार पूछा गया है, ट्रिक भी बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर NIGRINN देखिए नील निक वर्ड का रिलेट कर रहा है, ट्रिक अपने बनाइए।
हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पास होना है, आगे तक पहुंचना है। ट्रिक्स निमोनिक्स अपने हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द एवरेज थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर इज़, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग उत्तर हैं। अभी आप इसमें 20 किलोमीटर को आंसर लगा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ इज़ द कोर थीम ऑफ, सीधा क्वेश्चन है, वेलफेयर ज्योग्राफी, कल्याणकारी भूगोल इसका सही उत्तर है। पांचवा है द ऑथर ऑफ बुक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कई बार सवाल दोहराया गया है, पी वाई क्यू में से पूछा गया है, सही आंसर है ई हंटिंगटन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग दिस इज द रीज़न एंड टाइमिंग ऑफ डॉन एंड ट्विलाइट, सही आंसर है इब्न बतूता। ओके, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, बहुत साधारण सवाल पूछा गया है, हर किसी को इसका जवाब आता होगा। मैं मानता हूँ कि जो भी पीएचडी हैं बेसिक्स जानते होंगे। सही आंसर है एक्शन रिसर्च, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको। एट्थ क्वेश्चन है हु अमंग द विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिटेरियन बायोम, यानी कि भूमध्य सागरीय बायोम पूछा, सही सुमिलित नहीं है, यानी कि नहीं मैं कहूँ तो यहाँ अभिषेक सर वाला चश्मा लगा लो, वो कहते हैं चश्मा लगा लो भैया, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ तो वही चश्मा लगाना पड़ेगा। नोट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सही आंसर इसका फर्स्ट है जो नहीं से ताल्लुक़ रखता है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच क्लाउड आर फॉर्मड एज एसोसिएशन विथ मेटल डस्ट एंड मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर, देखो क्वेश्चन को बड़ा लंबा पढ़ेंगे नहीं, सीधा आंसर पे आएंगे, ठीक है, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। आंसर सही है इसका दो, नॉक्टिक्यूलेंट क्लाउड यानी निशा दीप्त मेघ कहते हैं इसको, काफ़ी बार इसका यूपीएससी ने काफ़ी बार इसको सवाल बनाया नॉक्टिक्यूलेंट क्लाउड्स को, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मैं बेसिकली तैयारी कराता हूँ बच्चों को एनडीए सीडीएस के लिए, बड़े लंबे समय से डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, उनकी ज्योग्राफी तैयार कराता हूँ, और ये क्वेश्चन उनका सदाबहार क्वेश्चन होता है जहाँ वो इसको सही अटेम्प्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नाइन्थ। और टेंथ क्वेश्चन है एज़ पर आर एल एकॉफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट का चश्मा वापस लगा लीजिए, बहुत सारे सवाल नॉट के हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा देयर मस्ट बी नॉट एनी डाउट इन द माइंड ऑफ रिसर्चर वाइल सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, थर्ड इसका सही आंसर है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाई GPS, GPS कौन से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं नॉट नहीं है ट्रांसमिट करता है, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ओके, अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम, 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 के बाद 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड इन द ओल्ड स्टेज ऑफ क्रास्ट, ओल्ड स्टेज ऑफ क्रास्ट पे क्या टोपोग्राफी होती है, तो हम्स सही आंसर है, हम्स इसका सही उत्तर है, सीधा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इधर उधर से कहीं घुमाया नहीं है, सीधा सवाल पूछा गया है। 13th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर रिलीफ फीचर ऑफ ओशन, ओशनिक डीप्स लगा सकते हैं गर्त, महासागरीय गर्त। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स पूछा गया, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में पूछा है, इसमें आप लियोपोल्ड मैट्रिक्स लगाएंगे सही आंसर, लियोपोल्ड मैट्रिक्स फोर्थ इसका सही आंसर है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग द मेकर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी में बात करें तो हम्बोल्ट का नाम आता है, सही उत्तर लगा लीजिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स फॉर GIS के लिए, ओपन सोर्स क्या है, तो इसमें आप डाउट थोड़ा सा रहता है क्योंकि मैप गाइड हो सकता है उत्तर, क्योंकि पहले मैप इन्फो एक सॉफ्टवेयर था, उसको बढ़ाकर अब मैप गाइड कर दिया गया है, तो इसमें मैप गाइड आप लगाइए या ग्रास GIS, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 साइज ऑफ ए सैंपल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, किससे नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है, प्रत्याशा से नहीं होता है। 18वां सवाल है
ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इंक्वायरी, सारी प्रगति पूछताछ से पैदा होती है, संदेह अक्सर अति आत्मविश्वास से बेहतर होता है क्योंकि यह पूछताछ की ओर ले जाता है और पूछताछ आविष्कार की ओर ले जाती है। यह उदाहरण किसका है? यह हडसन मैक्सिम्स का है, टिक पे बताया था आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिम्स बनाए जाते हैं, कानून नियम कायदे बनाए जाते हैं तो थ्योरीज बनाई जाती हैं, वो इसी से डेवलप होती है। हडसन मैक्सिम्स नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू एन एशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल कंसेप्ट द टर्म भूगोल, बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है, किसी भी परीक्षार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे सवालों को खो दिया तो समझो चांसेस कम बन रहे हैं। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, सूर्य सिद्धांत का। ओके, फिर चलते हैं। एज पर द सैटेलाइट अल्टीमीटर डाटा नासा विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन ग्लोबल मीन सी लेवल्स इन 1993 टू 2023। सही आंसर है राइज ऑफ 162 mm। ओके, 162 mm। उसके बाद आप आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। अभी से एक सर का चश्मा लगा लीजिए, देखिए भैया यहाँ पर है हम्बोल्ट वार्म ओशन करंट नहीं है, ये पीरू की धारा, ठंडी धारा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो भैया अभी कोरोना जब चल रहा था, मैं आपको बताऊं न्यूज़पेपर की ये कवरेज आई थी कि जो एलन मस्क था उसने अपने सारे सैटेलाइट्स जो थे वो बैलून्स के बेसिस पे भेजने की एक योजना उन्होंने तैयार की थी, ये वहीं से कंसेप्ट लिया गया है एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म बैलून्स का। एंड इन और 23 क्वेश्चन इन ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन पोजिशन ऑफ एन आई अज्यूम एट दिस परपेंटिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ओके 90 डिग्री के ऊपर होता है। सही आंसर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल बायोम, निम्न में से उष्णकटिबंधीय बायोम कौन सा है? आप आ जाइए, उष्णकटिबंधीय बायोम, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हिंदी वाले भाई लोग भी इसको देख लेंगे। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय बायोम है? सही आंसर है सवाना। रेन शैडो इफेक्ट, सीधा सवाल, अगर ये सवाल मैं NDA के पेपर में सेवरल टाइम पूछा गया है, बच्चों को बताया है, सीधा आंसर ओरोग्राफिक होता है। 90% रेनफॉल जो कि है पर्वतीय वर्षा से ही होती है, ओरोग्राफिक माउंटेन से। द डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल क्वेश्चनेयर आर, सही आंसर है ए और बी, पहला इसका सही उत्तर है। फिर लगाएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरोक्रोमैटिक पे बात करेंगे तो इसका भी सही आंसर ए बी सी, पहला ही सही आंसर है, सभी कथन सही हैं। 28 पे आ जाते हैं। विच व्हेन देयर आर न्यूमरस रैंडम बैड पिक्सल्स फाउंड इन द सीन इट इज कॉल्ड सेलो नॉइस, सेलो नॉइस कहते हैं GIS की लैंग्वेज में, सेलो नॉइस कहा जाता है। द ट्रॉपिकल टोपोग्राफिकल सीट मैप नंबर S45Z11x11 हैज द फॉलोइंग स्केल, क्या स्केल होगा इसका? 1 inch = 1 mile, दो नंबर इसका सही आंसर है। अब आप आ जाइए 30वें सवाल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डिजाइन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज बाय सोशल साइंटिस्ट, सही आंसर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, उसके बाद क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाता है। एज पर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैगनर का हम बताएं तो कार्बोनिफेरस ग्लेशियर्स एविडेंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका में नहीं है। अगर कार्बोनिफेरस होते कोयला मिलता वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ पर कार्बोनिफेरस कोयला निकाला जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर फाइल फॉर्मेट, DGN इज द वेक्टर फाइल फॉर्मेट, ये इसका बहुत शानदार क्वेश्चन है। 33 पे है, चैपरल्स आर द सर्ब्स इन कैलिफोर्निया ऑफ मेडिटेरियन बायोम, सेकंड इसका सही आंसर है। 34th है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ हाफ इंच टोपोग्राफी सीट फॉलोइंग, सही आंसर है 63K/NW। थर्ड इसका सही आंसर है, हु कोटेड मैनी चेंजिंग हिमसेल्फ एज वेल एज द वर्ल्ड एज ही गोज अलोंग,
किसने उद्धत किया है कि मनुष्य चलते चलते स्वयं के साथ दुनिया को भी बदल रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है ये ईसा बोमैन का कथन है। यहाँ थोड़ा डाउट है, कार्ल सावर का भी हो सकता है क्योंकि उन्हें कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर काम किया है, तो मे बी 1 और 3 में से कोई आंसर हो सकता है, ईसा बोमैन या कार्ल सावर। हु प्रपोज द पॉली प्रोसेस कंसेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन है, एच बॉलिंग के द्वारा दिया गया है, एच बॉलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द मैक्सिमम विड्थ एंड लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ी सेल्फ कौन सी है? सही उत्तर है साइबेरियन सेल्फ, या फिर आप आर्टिक होता ऑप्शन में वो भी सही होता, आर्टिक ओशन जो है उसकी सेल्फ सबसे बड़ी है ओशंस में अगर कवर करें। 38 पे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ ओशंस दे रखे हैं, उनकी सेलाइनिटी दे रखी है। बड़ा मज़ेदार और लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे सवाल ओशनोग्राफी से 2 दे दिए तो ऐसे समझो बच्चों के मजे हो गए, 1 नंबर मुफ्त का दिया है आरपीएससी ने। बोलो आरपीएससी की जय। ओशन सी अटलांटिक है, सही आंसर है सेकंड, यानी कि आपका जो अटलांटिक ओशन है उसकी सेलाइनिटी 36 है। मैंने सेवरल टाइम कई बार बच्चों आप लोगों को समझाया है कि महासागरों की औसत जो लवणता होती है वो 35 पार्ट पर थाउजेंड यानी कि 35 पार्ट पर थाउजेंड होती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि वो 33 से 37 के बीच में रहती है, दोनों को जोड़ने से 70 आता है, 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 आता है, तो वो कभी भी 33 और 37 से किसी भी महासागर की लवणता ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर बच्चा अटलांटिक ओशन सही मार्क करता है और बाकी को भी करता है तो सही उत्तर बी इसका सही है सेकंड। उसके बाद आ जाते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्केट सेंटर 20 किलोमीटर, और ये दे रखा है सही आंसर आप इसका 10 किलोमीटर लगा लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉजिटिविज्म, इसके ऊपर आप ए इसका सही आंसर है ए लगा लीजिए। 41 है टॉपी हीला ये यू फूतवाम का है टॉपी हीला, पर यहाँ पर मैं आपको बताऊं पीपल एंड प्लेस वुल्फार्ट का भी हो सकता है क्योंकि मेंटल मैप में भी कहीं ये वर्ड देखा गया है जहाँ उसको वो डिफाइन कर रहे थे, तो वुल्फार्ट भी हो सकता है तुआन भी हो सकता है, तो उनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। 42 पे आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेट द मोस्ट एक्यूरेट सर्कमफेरेंस, एरिस्टोटल है एन एग्जामिनर गलत जवाब है, एरिस्टोटल सही जवाब है। ठीक है, अज्यूम द कॉल पी आंसर कोफिशियंट की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं ए बी सी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट जो कंसेप्ट था वो नॉर्मन मेयर का दिया हुआ है, ऑडम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लोज सवाना की बात करें तो वुडलैंड सवानास आते हैं इसमें। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर लॉरेंज कर्व आता है। 47 के बाद पर बात करें लैटिट्यूड 62 जे बाई ऑब्लिक नॉर्थ है तो इसका सही आंसर 30/30 होता है। ओके, फिर चलते हैं 48 के ऊपर। कोफिशियंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रहेगा, मीन नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सबमरीन कैनियन की जो डेफिनेशन दी थी ये आप इसका आंसर लगाएंगे ए वी सेलिस हॉलीमन, ए वी सेलिस हॉलीमन ए सही आंसर है इसका। द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द हॉरिजेंटल प्लेन इज नोन एज फॉल्ट डिप, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डिप। ओके, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च नॉर्मली रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्योरी ऑफ अ थिंकर ऑफ फिलोसफर, इसको आप कहेंगे कंसेप्चुअल रिसर्च। उसके बाद आ जाइए 52 पर हम चलते हैं। 52 जो क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध, तो सीधा इसका आंसर लगा लीजिए ए ऑप्शन है, इट डाइवर्ट्स टू द नॉर्थ ओवर ओशन।
उसके बाद आप आइए, अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ हेट्रोस्फेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसका आंसर है बी डी सी ए। सबसे नीचे भैया रहेगी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन। बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। ये एक्सोस्फेयर की लेयर्स हैं, एक्सोस्फेयर की लेयर हैं, यहाँ हेट्रोस्फेयर बता दिया गया, पर ये एक्सोस्फेयर की है। देखो मैं आपको बताऊँ, होमो एंड हेट्रोस्फेयर केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है। होमो में टीएसएम में आते हैं, ट्रोपोस्टेटो एंड मेसो आते हैं, हेट्रोस्फेयर में आयनो और एक्सो आते हैं। और एक्सो की जो माइनर लेयर्स हैं, जो आजकल जिन पे सवाल पूछ रहे हैं, वो यही एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेयर्स पे सवाल आता है, सेवरल टाइम पूछा गया है। 54 पे आ जाते हैं, ऑन समर सोलस्टिक द एवरेज लेंथ ऑफ डे एट 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं पार्ट टाइम एक एस्ट्रोनॉमर भी हूँ और काफ़ी ऐसी चीज़ों की जानकारी रखता हूँ, जो सोलस्टिक्स होते हैं उन पे काम किया है मैंने। ये मेरा अपना ही तरीका है जो करता हूँ। वीडियोस भी अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाइए, किताबालय जी ज्योग्राफिया डॉक्टर एस के जाखड़ का नाम आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे विथ एविडेंस मिलेंगे जिनको मैं लाइव कैप्चर करता हूँ और उनके वीडियो मैंने डाले हैं, कि यही कंसेप्ट बच्चों को समझाने के लिए कि वाकई में जब समर सोलस्टिक अभी 21 जून आने वाला है, तो 21 जून को समर सोलस्टिक होगा, तो भैया सबसे बड़ा दिन कितना होगा, 14.5 घंटे का, और सबसे छोटा माइनस कर दो 10.5 घंटे का। अब भैया 14.5 घंटे यहाँ पर है, तो आप कोई बंदा आपका रिश्तेदार अगर लंदन में रह रहा है, तो वहाँ तो भैया वो कहते हैं नॉर्वे की बात करो तो मिडनाइट सन दिखाई देता है, यानी कि वहाँ तो सन अस्त ही नहीं होता है, होराइजन पे चला जाता है, तो भैया स्लांटिंग उसकी रेज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जो समय होगा वो 18 घंटे 27 मिनट का होगा, और भी कुछ दे देता तो वो भी सबसे इसका सही उत्तर होता। 55 पे चलते हैं, एट व्हाट हाइट एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेंस एट 50%। बड़ा लाजवाब सवाल है, देखो एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके बताया गया है। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि 300 मीटर पे 34 मिलीबार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको लगा दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर 5.5 किलोमीटर आ जाएगा। सारे के सारे एम्पिरिकल क्वेश्चंस हैं भैया, करके देखना है, यहाँ पर हम्बोल्ट वाली टेक्निक लगानी है, कुछ भी टेलीलॉजिस्ट यानी कि रेटर वाला खेल नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी है भैया प्योर साइंस बन गया है। अकॉर्डिंग टू WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द पीरियड 15 से 22 के बीच में पूछा है, डेसब ऑफ द पिंड बेस लाइन से कितना है, 1.150 सेंटीग्रेड बताया गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.2 डेटाज में दिया रहता है। अब आ जाते हैं 57 क्वेश्चन पे, कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के ऊपर कौन सा नहीं है, पहला ही नहीं है, ये 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ऊपर नहीं होते हैं, 70 के आसपास होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटिव द टाइम ज्योग्राफी, इसका सही आंसर है पीटर हैगेट लगा लीजिए, पीटर हैगेट, ठीक है, हार्वे लगाया, हैगेट लगा लीजिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ नॉन इमेजिंग सेंसर सेंटर रडार अल्टीमीटर, इसका सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम लार्जली यूज फॉर मैपिंग अर्थ सरफेस कॉस्मिक रेडियो एंड थर्मल इन्फ्रारेड, पहला वाला, ज़्यादा वेवलेंथ होती हैं यही काम में लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट, यहाँ पर जो है वो स्लीप ऑफ स्लोप इज ए डिपोशनल फीचर, ठीक है, स्लीप ऑफ ढाल एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, एक्सेट्रा। 62 पे आ जाइए, 62 पे द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर, बड़ा लाजवाब सवाल है, NDA CDS, और आप सब लोग तो प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो 1013.25 मिलीबार याद होना चाहिए सबको MSL से, सबने सही किया, धन्यवाद दे दो RPSC को एक सवाल सही होने के लिए, सभी का होगा। विच अमंग द फॉलोइंग एरोजोल, लाखों बार एग्जाम्पल के साथ बताया है भैया आप लोगों को,
कि भैया एरिया अर्थ पर देखो क्या है, पानी पानी, समुद्र समुद्र, तो समुद्र में क्या होगा जब एरोसोल्स को, पीएम्स को, पार्टिकुलेट मैटर्स को मैंने पढ़ाया है, तो भैया डस्ट है, एरोसोल्स जाते हैं उसमें, सॉल्ट होता है वो भी जाता है, तो उसका सोर्स सबसे बड़ा क्या है भैया, समुद्र है, ओशन है, तो सी स्प्रे इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन स्टू कंजर्वेशन, लाजवाब सवाल है, थैंक यू बोल दो आरपीएससी को ऐसे क्वेश्चन देने के लिए। बोटनोलॉजिकल गार्डन इसका सही आंसर होगा, नाहरगढ़ घूमने चले जाओ इसी बात को लेकर, वो भी बोटनोलॉजिकल गार्डन है। विच इज़ द लोकल नेम ऑफ सवाना रीजन ऑफ ब्राज़ील, सेकंड लगा दो, गुना गुआनाको, गुआनाको, ओके सही से पढ़ा नहीं जा रहा है, यही आंसर है। द वन सूट केस स्टडी एसोसिएट विथ, भैया प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन सही आंसर बताया, अपना हो गया है गलत यहाँ पर। द थर्मल कंसेप्ट ऑफ ओरिजन ऑफ मॉनसून वा प्रोपाउंडेड बाय, यहाँ गलती हो गई, यहाँ हेली का लगाना था, 1686 सही आंसर है, हेली का 1686, ओके बर्नवाल की बुक में सीधा दे रखा है, पढ़ लेना वहीं से आया है सवाल। इन 1968 ह्यूज न्यू अरडेंटे वाज इरप्टेड, भैया ये के सिद्धार्था की बुक में सीधा सीधा लिखा है, पुराने लोग जानते हैं जो 2005 से पहले आईएएस बन चुके हैं, उस किताब में के सिद्धार्थ की बुक में न्यू अरडेंटे वर्ड लिखा हुआ है, क्राकाटोवा वाला टर्म जो है, क्राकाटोवा जो पहले डोरमेंट था, डेड था, फिर एक्टिव हुआ, अब डोरमेंट की श्रेणी में आता है क्राकाटोवा, या क्राकाटोवा ऑप्शन में ये, तो भैया और भी खतरनाक है, हवाई पे किलाऊ, ठीक है, मुनालोवा का पड़ोसी है किलाऊ, वो सही आंसर होगा। कई लोग इसमें मयून बता रहे हैं, नहीं है आंसर, सही आंसर है किलाऊ, 100% सही है किलाऊ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर टोपोग्राफी इज जनरली डेवलप्ड और ओल्ड वॉल्केनिक बेस बसाल्टिक में, यहाँ पर बर्गचंड हैं, 100% कह रहा हूँ भैया, बर्गचंड जो बनते हैं वो क्रैगन टेल तो पीछे हटने से बनते हैं, पर नीचे की जो अगर उसको खोदोगे ना, खोदने से बर्फ़ को हटा दो तो जो क्रेविसेस दरारें पड़ जाती हैं वो आपके बर्गचंडी हैं यहाँ पर। उसके बाद है मेडिटेरियन बायोम इज़ द सेकेंड ऑर्डर बायोम, मेडिटेरियन टेम्परेट बायोम लगा लो, यानी कि शीतोष्ण बायोम का उदाहरण है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट द यूज ऑफ स्पेशल लॉ ऑन द बेसिस जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सैफर को लगा लो यहाँ पर। उसके बाद है सैफर के बाद 72 क्वेश्चन है, वेन द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इन द साइज ऑफ एटमोसफेयर पार्टिकल, सही आंसर है मी माई, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल, नहीं लगाया जाता यूजफुल इन करेक्शन न्यूमेरिकल डाटा, 4 नंबर इसका सही आंसर है। अब आ जाते हैं हम 74 पर, भैया 150 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना होगा एक एक सवाल को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इंक्लूसिव, हर बच्चे ने सही किया होगा, दूसरा इसका सही आए 1 से 10, भैया छुपा रहता है 1 से 10, फिर 11 से 20, 20 के बाद फिर 21 से 30, और उसमें सीधा सीधा चलता है, रिपीट होता चला जाता है, हैं इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव बना देते हैं हम, ठीक है। विच वन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय जीपीएस सैटेलाइट, शानदार सवाल है भैया, 12 घंटे, 12 आवर्स, बिल्कुल सही आंसर है इसका, 12 घंटे, 36, ठीक है, बाकी सब सही थे। इस पर 2 सवाल बने हैं ऐसे, दोनों सवाल मज़ेदार हैं। 76 पे आ जाए, वेजिटेशन कम्युनिटी डेवलप एट द एंड ऑफ वेजिटेशन सक्सेशन, भैया यहाँ पर क्या है आंसर, क्लाइमैक्स वेजिटेशन, भैया इसमें क्लाइमैक्स क्लाइमेट भी बता, क्लाइमैक्स भी बता रखा है बी और सी पर, भैया दोनों में से डाउट है, मान तो पी भी सकता है। आइसोकोनिक है मैग्नेटिक डिक्लाइन, आइसोकोनिक मैग्नेटिक लाइन यानी चुंबकीय झुकाव है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अल्पाइन ओरिजिनी, ये है खिगन माउंटेन्स, खिगन अजीब सा दिया था भैया, बाकी सब तो क्या है, फोल्ड है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, जागरोस है, जागरोस है, कुलनून है, तीनसान है, नीनसान है, एंडीज है, रॉकीज है, पर ये खिगन कहाँ से आया है, ठीक है, तो ये अलग है, हटा दो इसको, खिगन सही नहीं है भैया, ठीक है। 79 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग, भैया हम बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं, 79 पे आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं किताबल्ले अजी जुग्राफिया, डॉक्टर एस के जाखड़,
ज्योग्राफी के लिए हम शुरू से काम कर रहे हैं, बड़े बेसिक से समझाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी एनसीईआरटी डाल रखी है तरीके से। मिशन ज्ञान ई कक्षा के ऊपर एक से एक A1 वीडियो डाले हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बाकी लाइव हर ज्योग्राफी के कंसेप्ट के ऊपर कैमरा लेके बात करते हैं एविडेंस के साथ। जैसे समिंदर सिंह ने बुक लिखी, हम लोग उस पर काम करते हैं, ठीक है। हम बोल्ट साहब थे, वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। ग्रिफ टेलर हैं, वो 1880 में आए, हम 1980 में आए। तो भैया ऐसा है, डॉक्टर एस के जाखड़ नाम है। ज्योग्राफी को बेसिक्स अच्छे से समझना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ज्योग्राफी को धांसू तरीके से पढ़ने का इससे शानदार चैनल नहीं है। यहाँ पर एक एक चीज़ को बड़े शानदार तरीके से समझाया गया। आंसर्स पे चलें। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर ट्रू अबाउट 3-डाइमेंशनल डायग्राम। लगा लो ए बी, सही आंसर है पहला, फोर्थ वाला ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीक, टॉलमी नहीं है भैया, बाकी सब हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू स्केल सेटलमेंट इज नॉट करेक्टली, थर्ड वाला लगा लो, -1 पे अनइवन कुछ नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है, क्लस्टर होता है, रैंडम होता है, ठीक है। अगला है कंसिडर, पिछले साल पेपर में 2.5 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिफॉर्म वाला PYQ में आया हुआ है नेट में, उसके बाद उसी से उठाया है क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैप एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द लार्ज स्केल टू स्मॉल स्केल। पुराने पेपर्स में PYQ में मिल जाएगा, UPSC में सेवरल टाइम IAS के क्वेश्चन पेपर में, CS सिविल सर्विस में इसको पूछा है, वहाँ से भी मिल सकता है ये। सही आंसर है इसका सेकेंड डी। 83 पे चलते हैं, 83 पे आप आ जाइए। 83 पर है विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम विद द मोस्ट सुटेबल गैप बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। 2-डाइमेंशनल डायग्राम होता है, छोटे बचपन से 10वीं क्लास के से ही पढ़ने लग जाते हैं भैया, साइज 6 क्लास में ही बच्चा बनाना सीख जाता है 2-डाइमेंशनल डायग्राम। उसके बाद है पोलर फ्रंटल थ्योरी, थैंक यू RPSC, शानदार क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। उसके बाद आ जाइए 85 पे आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ गुड रिसर्च। भैया अच्छे रिसर्च के लिए क्या होना चाहिए, ABC सभी होना चाहिए, शानदार है, ABC लगा लीजिए, सभी को थैंक यू। उसके बाद आ जाइए 86 पे, था फेमस ज्योमॉर्फोलॉजी की इक्वेशन ई, भैया गेगोरी का है, गेगोरी का EF बराबर छोटा F ब्रैकेट में PMDT, ओके, ज्योमॉर्फोलॉजी की इक्वेशन है। मैंने भी रिसर्च किया है ज्योमॉर्फोलॉजी पे ही, सिखावटी रीजन मेरा स्टडी एरिया रहा है, सॉइल इरोजन पे मैंने काम किया है, मैं आपको बता दूं, जैसे गेगोरी महोदय ने किया है, ऐसा ही एक फार्मूला, सॉयल लूज इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉयल लूज इक्वेशन है अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वहाँ से उस इक्वेशन को लेकर मैंने मेरे रिसर्च में काम में लिया था, बड़ी शानदार रिसर्च है, महिपाल डॉक्टर महिपाल सिंह सिहाग साहब के अंडर है, डोई साहब का गाइडेंस रहा है यूनिवर्सिटी से, शानदार। आज भी लोगों के फ़ोन आते हैं, इक्वेशन कैसे लगाई, 75 पेजेस का क्वांटिटेटिव रिसर्च है, शानदार, सॉइल इरोजन के ऊपर, सिखावट इरोजन का, ओके। चलिए तो ये तो PhD का कमाल, तो यहाँ पर भी वो फ़ायदा मिल गया उसका, एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन वहाँ से भी सही हो जाते हैं, PhD करने का फ़ायदा तो मिलता ही है, एक्सपीरियंस तो आता है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पैलिया आर्टिक बायोलॉजिकल रिलेम, यूरेशिया लगा लो, सीधा क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है इसमें, एस्कर सीधा क्वेश्चन है, ग्लेशियो फ्लूवियल हिमालयी जलीय, सीधा लगा लो, अब दिमाग नहीं लगाना भैया, जल्दी जल्दी चल लो। पोटहोल्स मच बिगर साइज प्लंज पूल बन जाते हैं, किसने पढ़ाया मैं आपको बता दूँ, देखो किसी को थैंक यू कहने में घबराना नहीं चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, कौन कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अरुण, ए अरुण कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए। तो ये जो मैं बता दूँ, देखो 89 क्वेश्चन पे आ गए हैं, पढ़ाता मैं भी हूँ, पर भैया दूसरों से गाइडेंस, उनकी बातें भी सुनता हूँ। देखो मेहनत करने वाले बंदों में मैं बताऊँ, GSY दिवाकर सर, शानदार बंदा, मेरे बराबर का है, शायद मुझसे उम्र में कम भी होगा। उससे पहले अगर मैं बताऊँ तो प्रोफेसर SS ओझा जी हैं,
इस दुनिया में अब रुखसत कर चुके हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से थे। उनका पढ़ाया ज्योग्राफी बहुत शानदार है, कुछ भी बेसिक सीखना है वहाँ से सीखो। ऐसे गुरु देखा नहीं, पर कोरोना में पूरे उनके लेक्चर सुन डाले, देखे, और जहाँ डाउट होता है, यानी कि ओझा साहब का पढ़ाया हुआ बहुत शानदार लगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ही बताई। जी एस भाई दिवाकर भी है, सविंदर सिंह के कोई नज़दीकी लगते हैं मुझे, उनके वीडियो भी डालते रहते हैं, बहुत मज़ेदार। तो भैया जो भी तैयारी कर रहे हैं, जी एस भाई दिवाकर ज़रूर अभी क्लिक करो, डालो, मेरे चैनल को मत देखो, उनको देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी तो सब नए आए हैं मार्केट में, अभिषेक झा है, अच्छा चला रहे हैं PYQ धड़ल्ले से, अनएकेडमी का कोर्स चल रहा है, इधर सूरज सर राजस्थान में चला रहे हैं, शानदार है, अच्छा प्रयास है, नए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पर किस्मत उनकी साथ दे रही है, अपने भी देगी, मिलेंगे उनसे। थैंक यू सूरज सर, आपने भी अच्छा काम किया। 90 पे आ जाते हैं, विच इज़ नॉट ए करेक्ट मैच, भैया पहला ही लगा लो, क्रास्ट लूप बार नहीं बनाते हैं। विच एम नॉट फॉलोइंग द सैड वी मस्ट आस्क द अर्थ इटसेल्फ फॉर ए लॉस रिटर्न। रिटर्न भैया बाकी कोई दिखता नहीं, इनकी शक्ल नहीं दिखती, रिटर्न जो था उसी ने ऐसा, वो टेलीलॉजिस्ट था ना भैया, ये था रिसर्च हाइपोथेसिस का बताया भैया, कोई टेक्निकल लैंग्वेज है नल हाइपोथेसिस के बारे में पूछ रहा है, तो सेकंड इसका सही आंसर लगाना, बराबर हो जाती है ये, ठीक है ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर ये पैलेजिक इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स का पूछ रहा है, इसका आंसर है रेड क्ले, ठीक है, लाल मृतिका लगा लेना। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग, ये डबल डबल कहाँ से आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ईसी सिंपल, मैडम सिंपल अमेरिका की थी भैया। विच अमंग द फॉलोइंग अप्रोच इज हाईली एंथ्रोपोसेंट्रिक, सेलो, यहाँ पर देखो भैया शानदार सवाल पूछा है, सही हो गया है डीप इकोलॉजी, ओके, मैं इसको सेलो समझ रहा था भैया, सही आंसर है डीप इकोलॉजी, बिल्कुल सही हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, भैया 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ वर्टिकल रेज करती है भैया, गर्म हो जाती हैं ऊपर की तरह, कॉर्लेस फोर्स यहाँ जीरो है, काम नहीं करता, कैसी पेटी है डोलड्रम, ठीक है, कई बार धांसू तरीके से समझा रखा है, देख लेना वापस वीडियो में जाके। 97 वर्टिकल पाइप लाइक पैसेज है कनेक्टिंग द केव्स सेलो, ओहो यहाँ पर वर्टिकल पाइप बोला है भैया, हम सेलो होल्स लगा के डोलाइन लगाए, यहाँ पर पोनोर्स आएगा, पोनोर्स ओके लगा लो भैया पोनोर्स। इन विच केस द प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्म्ड कंसेंट इज स्पेशली फॉर ए रिसर्च रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज कैटेगराइज अंडर द हिप्सोमेट्रिक मैप, जियोलॉजिकल मैप लगा लो भैया, जियोलॉजिकल मैप डी 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 डी, यानी कि ए बी सी सही है ओके। और तो टोटल 100 यूनिट भैया कितनी है, अल्बिडो का सवाल था, घुमा दिया, 50 बार सोलर बजट पढ़ाया है भैया, अल्बिडो माइनस करोगे तो 65 में से 14 माइनस करोगे तो 51, पूरी कहानी आप लोगों को समझाई है मैंने, तो 14 यूनिट का सवाल आ गया है यहाँ पर। उसके बाद विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टर्बुलेंस इन्वर्जन लगा लो। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर मैग्नीस नोड्यूल, भैया ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तुक्का लगाने का मन तो किया था पर लगा नहीं पाए, यहाँ पर है द पैसिफिक फॉर्म द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू हवाई, इसका सही आंसर है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बड़ा साधारण सा लल्लू क्वेश्चन बनाया है भैया, मेरे ख्याल से 3rd क्लास का साइंस ओलंपियाड का बच्चा ही इस क्वेश्चन को कर लेगा, वो उसमें भी यही क्वेश्चन आता है, हाइड्रेशन इसका सही है, सबको पता है भैया। थैंक यू टू RPC, जय हिंद, नमस्कार, फिर देखते हैं। द सदर्न ब्रांच ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन फ्रॉम द स्पेन एंड अजोर, कैनरी आइलैंड, ओके, ये कयानी एक और लगाया था, आप लगाएंगे कैनरी जलधारा। द ग्राफिकल मेथड टू लोकेट द मीडियन, भैया यहाँ ABC तीनों लगा लो भैया, तीनों सही है। उसके बाद है नज़ाका, 50 बार 100 बार नज़ाका, जुआंडी फूका, कोकोज नीचे नज़ाका, एजियन, कोरोलाइन, फिजी, ईरानियन,
कितनी प्लेटें बताई हुई है? नज़ाका रटी हुई है, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट है नज़ाका। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? ए बी और सी लगा लो भैया। उसके बाद इफ़ द सिग्निफिकेंस स्टैंडर्ड एस ई 99.99.73% एक्यूरेट आंसर है पहला। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? डाउंस न्यूजीलैंड। डाउंस ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में क्या है? कैंटरबरी। हु अमंग द फॉलोइंग ओपिनियन दैट द ज्योग्राफी इज ए ब्रिज बिटवीन द नेचर एंड द सोशल साइंस? हंटिंगटन। ओके, कीन कोल्ड एंड ह्यूमिड? कीन स्कॉर्चिंग, रॉ मगी। शानदार है भैया, रट्टा लगा लिया, सही आंसर आ गया। थैंक्स टू जी एस वाई दिवाकर सर, शानदार पढ़ा है भैया। मार्केटर प्रोजेक्शन को जेनिथल मैप प्रोजेक्शन। उसके बाद आ जाइए गिनी कोफिशिएंट, क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। गिनी इंडेक्स भी है, किसके लिए है? गरीबी को पकड़ने के लिए है, साफ लिखा हुआ था, वहीं से पढ़ा था। ठीक है, एक किताब है उसका नाम भी बताऊंगा, वहां से काफ़ी ढेरों सवाल आए हैं। नाम बता दूं क्या? दो मिनट रुको, नाम बता देता हूं। देखो, जिन भाई लोगों का इस साल अटक जाए, अगली बार एक बुक है एच डी कौशिक की, भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र, पढ़ लेना ये। ज्योग्राफिकल थॉट एंड मेथोलॉजी, कहाँ का प्रकाशन है वो भी बता देता हूँ। ये है रस्तों की पब्लिकेशन, शिवाजी रोड मेरठ की बुक है, पढ़ लेना। मेरे को तो स्पेसिमैन कॉपी मिली थी बहुत साल पहले, मज़ेदार बुक है, हरे रंग की। सारे सवाल मैक्सिमम उसी में से आए हैं, एच डी कौशिक से। ओके, बुक का नाम याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं, इकोसिस्टम बता दिया टांसले का, चाहते इकोसिस्टम टांसले है। कोपेन पूछा है, ई है पोलर का, थैंक्स टू आरपीएससी आसान बना ली। एब्सेंस ऑफ डीप फोकस अर्थक्वेक इज फाउंड अलोंग, इसमें सुन लो भैया, ट्रांसफॉर्म में तो आते ही नहीं है, एब्सेंस बोला है, यहाँ डाइवर्जेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो ट्रांसफॉर्म मतलब ओनली सी होगा, 100% सी सही है, ट्रांसफॉर्म में आते ही नहीं है। पिकनोक्लाइन होमोक्लाइन पूछा था, मुझे याद है शायद 2008 वाले में, 16 वाले में कहीं पूछा था, उसी का भाई पकड़ के लाए हैं, पुराने पेपर देख के एग्जामिनर साहब ने क्वेश्चन बनाया, मिलता जुलता सी वाटर डेंसिटी को पढ़ता है, तभी से याद कर रखा था, आज काम आ गया। द मेन कैपेबिलिटीज ऑफ राष्ट्र मॉडल, अरे भैया सारे के सारे लगा दो इसमें, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेटा भी करता है, ओवरलैपिंग भी करता है, ए बी सी डी लगा दो, बी सी डी लगा दिया था, सारे काम करता है। ओहो 120, शानदार सवाल पूछा है, एंटीपोडल पूछते थे बच्चों ने, आ गया कोचिंगों में कर दिया, अब ये किसी कोचिंग ने नहीं पढ़ाया होगा, यहाँ हम बता देते हैं सीधा भैया, 60 मिनट 60 सेकंड, 60-60 का हिसाब होता है, डिवाइड कर दो 5230 को 60 से, आंसर आ जाएगा 0.875, सही आंसर है 4, निकाल के देखा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाओ, SQL भैया गलत हो गया, SQL लैंग्वेज पढ़ी थी हमने GIS में, भूल गए, 2004 में डिप्लोमा किया था GIS का CTech नोएडा से। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, 7 बाइट, देख लेना भैया, 128 डिस्क्रीट लेवल भी हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, हो सकता है दोनों में से कोई एक। डिटोर भैया, ये है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस, डिटोर, तुक्का लगाने का तरीका बता देता हूँ, टूर कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट से करोगे, टूर ट्रांसपोर्ट, याद रख लेना डिटोर इंडेक्स। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग अरब ज्योग्राफर? अस्काल, किताब अल अस्काल, बचपन से याद कर रहे हैं, जब से थॉट पढ़ रहे थे भैया ऑनर्स से, किताब अल अस्काल, डोई साहब पढ़ाते थे, थैंक्स टू डोई साहब, क्लाइमेटिक एटलस अस्काल की। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? सेमिनार, मज़ा आ गया, शानदार क्वेश्चन है, खूब सेमिनार अटेंड किए हैं, आज काम आए। टेबुलेशन ऑफ डेटा सिंपली मीन्स सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ओके। 27 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज सेक्स एंड लिटरेसी, तीनों चीज़ें दिखा रहा भैया,
थ्री वे टेबल हो जाएगा, थ्री वे टेबल ओके। चार्लियर चेक एक्यूरेसी यूज इन कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, तीनों लगा दो भैया, तीनों 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 को काम में लेता है ये। हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल, हेटनर वीकनेस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन लेस लॉस ऑब्जेक्टिविटी ओके। कास्केड रेंज वॉल्केनिक माउंटेन, कास्केड नाम ही से भैया, परत दर दर जमा है, जैसे ट्रैप बने हैं वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जिसने वॉल्केनो ढंग से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, कर लेगा इसको। एजेंडा 21 थैंक्स टू दिवाकर सर, अभिषेक झा सर, मज़ेदार बताया। वैसे मैं दिवाकर सर को शानदार है, क्लास में धांसू बता रखा है एनवायरनमेंट का, एक एक चीज़ वीडियो ऑडियो लेक्चर है, देख लेना भैया जी एस वाई दिवाकर सर। एजेंडा ने रियो अर्थ समिट 1992, मिनमाटा आर एस की एग्ज़ाम दी थी एक बार, याद नहीं है कब, 2002 में दी थी, उस समय मिनमाटा डिजीज मरकरी सेवरल टाइम पूछा है आर एस में क्वेश्चन, वहीं से आ गया ये। मोस्ट ऑफ द सेवरल ओशन करंट स्पीड इज अप टू 5 किलोमीटर पर आर होता है, पर देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 नॉट भी हो सकता है भैया, अप टू बोला है लेस देन वो भी है, ठीक है, डाउट वाला क्वेश्चन है। मैथड टू कैलकुलेट द सिंपल अर्थमेटिक मीन, ए और बी लगा लो भैया, पहला और दूसरा। उसके बाद 36 पे 90 ईस्ट रीच है, सस्ता क्वेश्चन है थैंक्स टू आरपीएससी इंडियन ओशन, चागोस नहीं पूछा तो उसका पड़ोसी पूछ लिया, मज़े हो गए। नॉर्मल वेरिएबल मेजर रिलेशनशिप आर, बी लगा लो, गुडमैन क्रास्कल टाउ। सूरज सर भी थोड़े से झिझक गए थे आंसर देने में, मैं बता देता हूँ बी सही आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम देयर विल बी ए पीक रिफ्लेक्टेंस इन ए लेक, वेरी हाई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंसनट्रेशन अबाउ 6 से 7, भैया सीधा पी एच 1, 6 और 7 याद रखो, उसी से सही आंसर बैठ जाता है, ठीक है, माइक्रोमीटरी है। वुमेन सिविल वार भयंकर एल डी स्टैम्प सिविल वार कर दिया था भैया इन्होंने। फिर आ गया आरपीएससी, मज़ेदार, थैंक्स टू आरपीएससी, धन्यवाद कहो। वापस पीछे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन टेक दिया, वहाँ नहीं दिया गड़बड़ करी, यहाँ पे सही दे दिया, क्योंकि 330 है लेक वन टर्की की सबसे ज़्यादा। इस समय द फॉलोइंग रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट मैराथन, 100% स्लेट होगा। सूरज सर मार्बल कह रहे हैं भैया, सेल के सेल से क्या बनता है, स्लेट बनता है, स्लेट से फाइलेट बनता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म पढ़ा है, कॉन्टैक्ट मतलब होता है भैया स्पर्श कायंत्रण कहते हैं इसको, ठीक है, तो यही प्रोसेस है स्लेट। रोमांच अटलांटिक ओशन है, मज़ेदार दे दिया, पीरू, ठीक है, वो पोर्टोरिको है ना, पोर्टोरिको के बाद रोमांच ट्रेंच है। अरविन रेज एवरेज मंथली टेम्परेचर, एवरेज मंथली रेनफॉल, मज़ेदार क्वेश्चन दे दिया भैया, टेलर पूछेगा या रेज पूछेगा, रटा था, आ गया आंसर। पोलोकोनिक प्रोजेक्शन डिज़ाइन, ओए होए, फर्डिनर हैसलर बताया गया भैया, सारे फर्डिनर थे, यहाँ गलत हो गया, फर्डिनर हैसलर है, सूरज सर ने सही बता दिया। 45 का है हुक क्लिफ, और ये भैया इसमें 3 लगा लेना, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। उसके बाद है वॉल्टर पैंक हेडल्सकैंक, इसमें भैया आपस्ती झंडे इट विल लॉन्ग कर लो तीसरा। फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड पर आर विच मेजर हार्मोनिक मीन, बताया भैया सूरज सर ने, देख लेना क्या मानेगी आरबीएससी। 48 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियरल ज्योग्राफी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ए बी सी, तीनों सही है भैया, ये वाइट नहीं है, वाइट नहीं है, एक मिनट रुक जाओ भैया, ए बी सी सारे हैं सही है, ऑल है ए बी सी ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपन मैप सी ओ एस एम, पूरा डिटेल नोट्स बनाए थे, एक क्वेश्चन पक्का आना था, नया टॉपिक था जो आरपीएससी ने सिलेबस में जोड़ा था, क्वेश्चन दे दिया ए बी सी, सारे सही है भैया, सारे सही है, ठीक है। तो भैया दोस्त लोगों, प्यारे बंधुओं, और यहाँ बोलो सब भारत माता की जय। आप थे डॉक्टर एस के जाखर, जिनका चैनल का नाम है किताबालय अजी ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़नी है आ जाओ, कल्याण हो जाएगा, मज़े आ जाएंगे। रेडी लर्न यूज़ बता देते हैं, लास्ट सवाल है,
पैलेजिक डिपॉजिट है ये भैया, अगाध सागरीय निक्षेप है। तो आप सभी भाई लोगों का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी फौजी भाइयों के साथ तो हमेशा रहता ही, देश के लिए काम करते हैं। सो, सभी को नमस्कार। अगला पेपर कल अपलोड कर देंगे, आज हो गया है टाइम 11:30 रात के, कल करेंगे अपलोड पेपर नंबर 2। कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइबर कर दी, सब्सक्राइब करिए चैनल को भैया। 819 पे पहुंच गए हैं सब्सक्राइबर, 23 थे 19 हो गए, घट रहे हैं, काफ़ी समय से एग्ज़ाम में लगे हुए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, इस बार मार देंगे धांसू। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।